सुमेरपुर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर जवाई सुमेरपुर सतत विकास समिति अध्यक्ष दीपक भाटी और सुमेरपुर विकास मंच अध्यक्ष जगदीश राजपुरोहित के नेतृत्व में चल रहे धरने के 24वें दिन समाप्त किया। बता दें, मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा ने धरनास्थल पर पहुंचकर एक विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति सहित अन्य मांगों पर सहमति देकर धरना समाप्त करवाया और इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सलाहकार सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि सुमेरपुर जैसे बड़े तहसील मुख्यालय पर स्थित हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर का भी नहीं होना बड़े ताज्जुब की बात है। शासन को सरकार की जानकारी में बात लानी चाहिए। हमने और इन सब ने चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा की जानकारी में बात लाई और उन्होंने एक चिकित्सक की जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसका आदेश कर दिया है और इन साथियों ने अपना धरना आज समाप्त कर दिया है। और भी जो चिकित्सालय में कमी है तो माननीय मंत्री जी के ध्यान में ला करके उसकी पूर्ति करना। देखिए, मांगे करीब 10 मांगे थी, उसमें से करीब 7 मांगे हमारी पूरी हो चुकी है। 3 मांग जो है कुछ विशेष मांगे नहीं है, वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन जैसे महत्वपूर्ण जो नियुक्ति थी हमारी गायनिक को लेकर, महिला जो डॉक्टर की थी वो हमारी नियुक्ति बिल्कुल हमें मिल गई है, आदेश भी आगे है और वो अति शीघ्र भी ज्वाइन कर लेगी। और ये पूरे सुमेरपुर की मांग थी, उसको लेकर हम धरना दे रहे थे। हम जो अड़े हुए थे एक विशेषज्ञ चिकित्सक के लिए, आज हमारे मुख्यमंत्री सलाहकार सिरोही विधायक संयम जी लोढ़ा साहब हमारे बीच में पधारे और कल शाम को इन्होंने ये ऑर्डर करवा दिया। एक गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलम बुनकर की उन्होंने यहाँ पर नियुक्ति करवा दी है, जो एक बहुत बड़ी हमारी मांग थी वो उन्होंने पूरी करवा दी। और उसके अलावा जो एडिशनल मांगे थी वो प्रशासन पहले ही पूरी कर चुका था, इसलिए आज वो यहाँ पधारे, उन्होंने हमारा धरना समाप्त किया।